नमस्कार, ये प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन चल रहा है मोबिलिटी इंडिया भारत मोबिलिटी बोलिए, इसके अलावा जैसे ये एशियास्ट फास्ट कंस्ट्रक्शन मशीन ये दे रखा है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक जेसीबी मशीन मुझे दिखाई दिया, ये हाइड्रोजन पावर्ड है, ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है और बाकी वर्किंग कैपेसिटी सेम है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सेम है और अकॉर्डिंगली इनका कहना है कि ये इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो 3 times कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू डीजल। और ये बाकी मैं एक बार आपको स्वैप कर दूंगा, सारा के सारा 3 times कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हाइड्रोजन का भी काफ़ी जगह पे वो प्लानिंग वगैरह प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, आयो चल के कुछ कुछ ये हो गया जैसी भी है पावर्ड बाय हाइड्रोजन। अगर ये देखा जाए तो ये सब जो भी मशीनरी डेवलपमेंट हुए इनका इफेक्ट ये है कि मतलब एनवायरमेंटली काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स वो होते हैं इस पर, क्लीन 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 फ्यूल हो गया, एक सबसे ग्रीन फ्यूल हो गया। तो ये हो गया आपका मशीन। नॉर्मली हमारे को जो भी मार्केट में जैसी भी मशीन देखने को मिलते हैं वो क्या डीजल से चलते हैं, और ये है ये अभी खैर अभी ये कॉन्सेप्ट है कि हिसाब से ये अभी लॉन्च नहीं हुए। ये कॉन्सेप्ट है इसी प्लेटफॉर्म में, वन मोर मशीन दिस इज बेसिकली रन बाय इलेक्ट्रिक, तो ये इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बैटरी ऑपरेटेड हो गया एक हिसाब से ये मशीन, छोटी सी जैसी भी मशीन है। This one is electrically powered. And moreover, this is CNG generator. ये सीएनजी से चलने वाली जैसी भी वालों का जनरेटर है जेनसेट। और ये जो आपके लिफ्ट है पावर लिफ्ट, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, दिस कैन लिफ्ट अप टू 32 feet वेट एंड लेडन लोड 320 kilo, ये 320 किलो लेके 32 फीट तक जा सकते हैं ऊपर। ये इलेक्ट्रिक से हो गया ना, ओके। इसके अंदर क्या बैटरी डाला हुआ है? ओके, ये मतलब आज के टाइम पे तो सब यही चल रहा है, अभी चलना ही यही है, हाइट पे जाके सेफली काम करने के लिए होता है। अगर लोग सेफ तरीके से यूज करते तो दिस इज फॉर टेकिंग द पर्सन ऑन हाइट परफॉर्म। और बैटरी सीएनजी ये सब का ही चलन चल पड़ा अब तो, डीजल तो बंद ही हो जाएगा एक हिसाब से, पोल्यूशन भी काफी करते हैं डीजल से, मेन बात तो इंडोर के लिए जनरली होता है ना, इंडोर हाँ डीजल, हाँ इंडोर के लिए तो ये यही सबसे बढ़िया बैटरी ऑपरेटेड ही बढ़िया है, क्योंकि डीजल तो सक्सेस ही मतलब गंदा हो गया पोल्यूशन। अच्छा, ये मेड इन इंडिया में, इंडिया में ही बनता है। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि मतलब कि जो जेसीबी कंपनी है इनका हेड ऑफिस बल्लभगढ़ में है, मथुरा रोड बल्लभगढ़, मेट्रो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है ये, अब मान के चले दो तीन किलोमीटर के अंदर ही हो जाएंगे सर, 3 किलोमीटर के अंदर, और हाईवे पे है, पब्लिक कन्वीनियन भी अवेलेबल होंगे वहाँ से। कौन सा सेक्टर पड़ता है वो?
58 का इंडस्ट्रियल एरिया होगा वो। ओके हेलो, ये काफ़ी सारा मशीनरी यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रखी है कंस्ट्रक्शन वर्क्स के रिलेटेड। ये आपका जैसे कि आप ये कन्वेयर बेल्ट टाइप कन्वेयर ये कन्वेयर हो गया, काफी बड़ी मशीन है ये भी। इसकी थोड़ी सी देखता हूँ मैं, ये इसका टैंक जो कन्वेयर डालक है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गया। इसके अलावा ये जो बड़ी वाली मशीन है इसका भी मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक बार शो कर देता हूँ। ये हो गया इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। काफ़ी बड़ी मशीन है ये, हैवी ड्यूटी के लिए। ये टायर का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये वाले इनका थोड़ी सी छोटी साइज पे है। ये जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये इस वाली मशीन के है, ये थोड़ी सी छोटी साइज पे है। इसके साइड ये आपका ट्रैक वाले भी डाल रखे हैं, ये ट्रैक वाली हो गया थोड़ी सी छोटी साइज पे। इसका भी मैं देखता हूँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये रहा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन राइट। और ये हो गया आपका लेवलर जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लगाते हैं लेवलर। जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो हम लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाले मशीन हो गया। और इसके आपके दिखाता हूँ मैं आपको, और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये हो गया आपका इस मशीन के लेवलर के। और ये आपका डबल वर्क के लिए हो गया, जैसे कि ये आपका जेसीबी वर्क के लिए हो गया। नेक्स्ट ये आपके ये वर्क भी कर सकते हैं, ये ट्रैक पे है ट्रैक है ट्रैक। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये रहा इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये टाटा वालों का हो गया, ये ट्रक पे है, ये 22 टन तक मतलब ये उठा लेंगे आपका। सारा का सारा LCD मॉनिटर पे चलेंगे, मॉनिटर LCD। यहाँ तो एक्चुअली ये तो अभी नया नया स्टार्ट हुआ ना, पहली बार ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए बेसिकली था भी ये पहली बार ये लग रहा है। ये मशीनरी जितने भी है कंस्ट्रक्शन मशीनरी पहली बार लग रहा है ये एग्जीबिशन में। ये मशीन आपके ऑपरेटिंग वर्ल्ड ये
इस मशीन के आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन हो गया, ये हो गया, ये बहुत बड़े बड़े मशीन लगा रखे हैं इस बार, पहली बार हुआ है ये वाले जो भी एग्जीबिशन में आया हुआ है, ये डिस्प्ले पहली बार हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया है कि सबसे देखा जाए तो मतलब एट ए ग्लेंस सारे मशीनरों का यहाँ पे स्टडी करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ये आपके एक और मशीन हो गया, स्टेज फोर। अच्छा, ये जैसे आपके ये पैड डाल रखे, जैसे आपके रोड पे चलना हो तो रोड को डैमेज नहीं करेंगे ये पैड से, जो रबर पैड डाल रखे। बहुत बड़े बड़े मशीन लगाए इस पर। और इस मशीन का मैं आपको स्पेसिफिकेशन जो भी है उसको एक बार शो कर दूंगा, पहले फ्रंट से शो कर लेता हूँ। ये हो गया इसका सारा के सारा टेक्निकल डाटा। काफी बड़े बड़े मशीन लगा रखे इस बार। यह हो गया इस मशीन के टेक्निकल डाटा, कैपेसिटी क्या है क्या नहीं, कितना काम कर सकते हैं। और ये आपका सेम वही दो कन्वर्टर हो गया। सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में लगने वाले मशीनों के आपके और ये हो गया आपका एश वाला SCE। ये हो गया आपका वोल्वो का इलेक्ट्रिक, ये छोटी सी रोलर है वोल्वो DD40 इलेक्ट्रिक। ये मुझे लगता है ये जैसे क्रिकेट ग्राउंड वगैरह तैयार करना हो ना तो उनके लिए ये काफी कामयाब है ये मशीन। बाकी अपने अपने यूज के ऊपर है,
कौन किस काम के लिए लेते हैं वो अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी के ये काम के लिए बहुत सारे काम आते हैं आजकल। तो इसका देखता हूँ क्या क्या है। ये है टेक्निकल डाटा, वोल्वो के दोनों जो भी मशीनरी डाल रखे ये सब इलेक्ट्रिक की डाल रखे है, ये भी आपके इलेक्ट्रिक के हो गए। तो इसका भी मैं टेक्निकल डाटा शो कर दूंगा एक बार। ये हो गया इस वाले के टेक्निकल डाटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।